बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का आर्टिकल सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जिसकी नेमिंग आपके पास है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं? Inkjet printer is a type of printer which uses electric charge in its operation. एक ऐसा टाइप का प्रिंटर होता है जिसके अंदर आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को इन इट्स ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन के अंदर। सबसे पहले इसको जो इन्वेंट किया गया वो एचरो एंडो ने इन्वेंट किया इसको, एचरो एंडो ने, एचरो एंडो ने इसको इन्वेंटेड किया लेट ऑफ 1970 के अंदर। जब वो काम कर रहा था फॉर कैनन इन जापान के अंदर, तो इसके बाद इसका प्रिंसिपल को देखते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट का प्रिंसिपल आपके पास ये है कि एन इंकजेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर हुज वर्किंग लाइज ऑन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स प्रिंटिंग। ये इज आपके पास है बेसिक प्रिंसिपल किस चीज का, इंकजेट प्रिंटर का। अब इसकी आप कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले आप इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स को देखेंगे। मेन कंपोनेंट्स आपके पास, सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास है प्रिंट हेड, इसके बाद नंबर टू पे आपके पास नोजल, नंबर थ्री पे आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड, नंबर फोर पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, नंबर फाइव पे आपके पास गटर, और नंबर सिक्स पे आपके पास क्या है, पेपर है। ये आपके पास सिक्स मेन कंपोनेंट हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंकजेट प्रिंटर। आपके पास एक वर्किंग डायग्राम दिखाई गई है। ये वर्किंग डायग्राम आपके पास किस चीज की है, इंकजेट प्रिंटर की है। ठीक है, कि आप क्या करते हैं यहाँ पे इस चीज को ब्लैंक पेपर को इंटर करते हैं, ये आपके पास इसका कॉपिंग प्रोसेस होगा, और ये आपके पास क्या होगा, जहाँ से जो पेपर होता है वो क्या होता है, कॉपी फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकलता है। आप इसकी डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम की मदद से इसको थोड़ा सा इसकी वर्किंग का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने की हम ट्राई करेंगे। इसकी डायग्राम आपके पास सामने दिखाई गई है। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे इंक टैंक को। जी आपके पास क्या होगा, इंक टैंक आपके पास है। इंक टैंक के अंदर क्या होती है, इंक होती है। जे इंक क्या करती है, इंक सप्लाई करते हैं हम आगे किस किस की मदद से, पंप की मदद से, कि पंप क्या करेगा, जहां से इंक उठाएगा और कहां तक लेके जाएगा, नोजल तक। जे आपके पास क्या है, नोजल। नोजल का काम क्या है, नोजल का काम ये है कि जो इंक आपके पास होगी इस इंक को स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ड्रॉप्स की फॉर्म में क्या करेगी, इंक को कन्वर्ट कर देगी। इसके बाद आपके पास प्रोसेस होता है चार्जिंग कंट्रोल का। चार्जिंग कंट्रोल मींस के जो आपके पास ड्रॉप्स आते हैं, इस ड्रॉप्स को, किस ड्रॉप्स को आपने चार्ज करना है और किसको अनचार्ज करना है, ये काम किया जाता है डिसाइडेड बाय द चार्जिंग कंट्रोलर। चार्जिंग कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है, चार्जिंग कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन आती है कंप्यूटर से। कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस पेज को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। वो इंस्ट्रक्शन किस चीज को प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है चार्जिंग कंट्रोल को। चार्जिंग कंट्रोल जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किस चीज को प्रोवाइड करती है, चार्ज इलेक्ट्रोड को। किस चीज को, चार्ज
ट्रोट को। अब आप जहां पे देखेंगे दो कंपोनेंट्स आपने किसकी बात की थी, वहां पे भी इस कंपोनेंट्स के अंदर के इलेक्ट्रो चार्ज इलेक्ट्रोड की और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आपके पास कैसी लेते हैं, जैसे कि आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, वैसे ही आपने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लेनी है आपके पास। ये आपके पास क्या चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। अब आपके पास उस चीज को, जिस चीज को टेक्स्ट को और जिस इंफॉर्मेशन को आपने कॉपी करना है, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, अनचार्ट करते हैं। जिस चीज को आपने कॉपी नहीं करना, उस चीज को आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे मेरे पास अगर मैं लूं, जे मेरे पास एक पेज है, इनके पास मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई और एफ। जी मेरे पास वो टैक्स है, टैक्स की फॉर्म में डाटा है जो मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। और बाकी जितने भी जी आपके पास होगा, जे आपके पास होगा, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने चार्ज करना है। और ये जो टैक्स है, जो डाटा आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसको आपने क्या करना है, अनचार्ज रखना है। अब जो भी आपके पास अनचार्ज होगा, वो अनचार्ज, नेक्स्ट आपके पास क्या डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, जो अनचार्ज आपके पास इंफॉर्मेशन है, टैक्स है, वो सीधी क्या कर देंगी, पास कर देंगी। और कहाँ पे जाके फॉल होंगी, कहाँ पे डिपोस्ट होंगी, पेपर के ऊपर। जी आपके पास क्या है, पेपर है, पेपर के ऊपर वो क्या हो जाएंगी, डिपोस्ट हो जाएंगी। और जिसको आपने क्या किया हुआ है, जिसको आपने चार्ज किया हुआ है, जैसे ही वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास होंगी, वो कहाँ पे हो जाएंगी, जहाँ पे डिफ्लेक्ट होती जाएंगी, और डिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पे चली जाएंगी, वो गटर के अंदर चली जाएंगी। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो डाटा जो आपने कॉपी किया है, ए बी सी डी ई एफ, इसको आपने अनचार्ज रखना है। और बाकी जितना भी होगा उसको आपने चार्ज करना है। जो चार्ज आपके पास होगा वो गटर में जाएगा, और जितनी भी दूसरी आपके पास होंगी वो कहाँ पे डिपोस्ट हो जाएंगी, वो आपके पास डिपोस्ट हो जाएगी इस पेपर के ऊपर। अब आपके पास वो नोजल का काम ये भी होता है कि वो इसको पेपर के ऊपर बैक एंड फोर्थ इसको क्या करती है, कॉपी करती है। अब आपके पास एक जो लेटेस्ट आपके पास प्रिंटर आए हैं, उसकी एक एग्जांपल थ्रो डायग्राम आप देखते हैं। ये आपके पास एक वर्किंग आपके पास जो है इंकजेट प्रिंटर है, इसको आप नाम देते हैं कंटिन्यू इंक जेट प्रिंटर। इसकी डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये आपके पास इंक का जो पोर्शन है, जहाँ पे इंक को आप सप्लाई करते हैं, ये आप प्रेशर रेगुलेटर जहाँ पे लगाया हुआ है, जो सेमी क्रिस्टल आपने यूज की है, जो आपके पास नोजल है जहाँ पे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन है, करेक्टर सिग्नल आपके पास है, चार्ज आपके पास इलेक्ट्रोड है, डिफ्लेक्शन वोल्टेज है, गटर है, और डिफ्लेक्शन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इंक रिटर्न आपके पास क्या होगा, पंप होगा आपके पास, मींस के जो इंक आपके पास जो आपने यूज नहीं की, जो पेपर पे आपने कॉपी नहीं करनी, पेपर पे आपने पेस्ट नहीं करनी, उसको आप रिटर्न करके पंप, एक पंप के जरिए किसके अंदर आप डाल देते हैं, इंक ड्रम के अंदर आप इसको वापस रिटर्न कर देते हैं। अब इसकी डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डायग्राम के अंदर जो मेन चीज है कि इस डायग्राम के अंदर कि जिस चीज को आपने इंफॉर्मेशन को आपने कॉपी करना है, जिस टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है, उसको आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। और जिसको आपने कॉपी नहीं करना है, उसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे अनचार्ज करते हैं। किसको, जिसको आपने कॉपी नहीं करना है, जिसको कॉपी नहीं करना है आपने, उसको अनचार्ज करना है। जिसको कॉपी करना है टेक्स्ट को, उसको आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है जी, आप जो लेटेस्ट आपके पास क्या है, कंटिन्यू इंकजेट प्रिंटर आपके पास है, उसकी जो वर्किंग डायग्राम मैंने आपको बताई है, इसके अंदर देखेंगे ड्रॉप्स आपके पास आ रहे हैं। इस ड्रॉप्स को आप देखेंगे इलेक्ट्रोड से आप इसको क्या करते हैं, चार्ज कर रहे हैं। जो आपके पास इंफॉर्मेशन चार्ज हो रही है, वो मीन्स मेरे पास जो टैक्स मैंने लिखना चाहा था, वो ई टैक्स मैंने लिखना चाहा था, तो ये आपके पास ई टैक्स को मैंने क्या करना है, चार्ज करना है। और बाकी जितने भी यहाँ पे होंगे उसको आपने क्या करना है, अनचार्ज करना है। उनको आपने क्या करना है, अनचार्ज करना है।
उसको आपने क्या करना है, अनचार्ज करना है। अब जो आपके पास चार्ज थे वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो यहाँ पे पेपर के ऊपर जा रहे हैं, जमीन जहाँ पे आपको नजर लिख रहा होगा ई लिखा नजर आ रहा है। जो अनचार्ज थे वो कहाँ पे जा रहे हैं, डायरेक्ट गटर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, यही आपके पास जो लास्ट डायग्राम देखी है और इस डायग्राम में मेन डिफरेंस। अब जो आपकी बुक के अंदर एफ एस सी सेकेंड ईयर के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम थी उसकी की आपने वर्किंग जो लास्ट देखी है, अब आपने क्या करना है उसको वर्किंग को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई की है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो उसको आप देखते हैं कि इसकी वर्किंग हमें आपने कैसे करनी है। वर्किंग में सबसे पहला देखेंगे कि एन इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट्स ए स्टडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉप्स व्हेन सेटलिंग बैक एंड फोर्थ ऑन द पेपर, कि आपके पास जो इंकजेट प्रिंटर है वो इजेक्ट करता है स्टडी फ्लो को इंक को ड्रॉप्स की फॉर्म में जब वो सेटलिंग बैक एंड फोर्थ आपके पास काम पे हो पेपर की फॉर्म में हो। इंक इज कमिंग आउट फ्रॉम ए स्मॉल नोजल, इंक कहाँ से आ रही होती है, स्मॉल नोजल से आ रही होती है। Therefore, it breaks up into extremely small drops. किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ड्यूरिंग द फ्लाइट दीज ड्रॉप्स आर देन पास थ्रू द चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट, जिसके आप पैरल प्लेट कैपेसिटर्स भी कह सकते हैं, कि फिर ये जो ड्रॉप्स होंगे ये कहाँ पे फ्लाई करेंगे, ये पास करेंगे कहाँ पे से, चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से और डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से। When the print had passed over the region of the paper which are not being inked printed, the charge electrode become on and the ink drops are given a net charge. When these charge ink drops pass through the deflecting plates, the electrical force due to the charge on the drops ink are into the charge drops into the paper and thus they unable to reach the paper. ठीक है, when over ink is to be placed on the paper, then the charging electrode is turned off by the charging control responding to computer. During this process, the ink drops will be remain unchanged and thus have no electrical force when they pass through the डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। वही बात जो आपने पहले बयान कर दी है इसको, नो द अनचार्जिंग ड्रॉप्स फ्लाई क्या करते हैं, जो अनचार्ज होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर चले जाएंगे एंड स्ट्राइक द शीट ऑन द पेपर, क्योंकि सीधे वो मूव करेंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर से और शीट ऑफ द चार्ज के ऊपर क्या कर देंगे, जाके स्ट्राइक कर देंगे। आगे उसने कहता है कि इंकजेट प्रिंटर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ए कलर्ड इमेज, के जो इंकजेट प्रिंटर है वो कलर्ड जो इमेज है या कलर्ड कॉपी है वो भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। मीन्स उसकी जो इमेज होगी, जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है वो कलर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, कौन से यूज करके इंकजेट प्रिंटर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।